अगर इसके अंदर पानी का मिक्स होगा तो मिट्टी पानी को पी जाएगी और यह शायद फैल जाएगा बिल्कुल। ये जैसे ये दिखाई अगर प्योर शायद है, अगर 8 दिन भी पड़ा रहा ना, 8 दिन इसी तरह मोती की तरह रहेगा बिल्कुल। ये ओरिजिनल की पहचान, ओरिजिनल की पहचान ऐसे मोती की तरह दिखता रहेगा। अगर इसमें चीनी वगैरह किसी चीज की मिलावट है तो ये इसके अंदर ही पिघल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। स्मोकर है, जब हम मधुमक्खी के डब्बे को खोलते हैं या शायद निकालते हैं ना, तो इसमें धुआं मारते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको धुआं मार के। तो इससे क्या होता है सर? इसे धुआं मारने से मक्खी जो है ये नीचे चली जाएंगे। देखो ये, देखो ये चली जाएंगी। और इसमें धुएं में हम सल्फर डालते हैं, जिससे मधुमक्खी में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी से भी इस धुएं से बचाव होता है मधुमक्खी का। और जब शहद निकालते हैं तो हमें इस स्मोकर का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे मधुमक्खी छत्ता छोड़कर नीचे चली जाती है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर रेंज होती है ना, तो मधुमक्खी के अंदर भी एक रेंज का एंटीना होता है। जैसे सूर्य निकल रहा है हमारा, तो वो करेगी अपनी रेंज बनाएगी और उसी हिसाब से अपने डब्बे में आएगी। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चारों तरफ कहीं भी चली जाएगी। मधुमक्खी का व्यवसाय कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन व्यवसाय में आपकी रुचि है, ये मधुमक्खी लाने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वी वेल होती है, टोपी बोलते हैं इसको, जाली, इससे हमारे मुंह की रक्षा होती है, हमारे मधुमक्खी कहीं काट ना ले। और दूसरी ये दस्ताने होते हैं हाथों को बचाने के लिए, अगर हम ट्रेंड नहीं है या ट्रेंड है, अगर मधुमक्खी से हमें खतरा है तो हम इसे दस्ताने लगाकर इस तरह से डब्बे को खोलते हैं, इसे इस काम को हम शुरू करते हैं। और वो ये हाइव टूल बोलते हैं इसको, जिससे मधुमक्खी के छत्ते को उठाते हैं आसानी से, ये उठ जाता है। ये चीज होती है, इसमें इंस्ट्रूमेंट है इसके, और ये स्मोकर है। जब हम मधुमक्खी के डब्बे को खोलते हैं या शायद निकालते हैं ना, तो इसमें धुआं मारते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको धुआं मार के। तो इससे क्या होता है सर? इसे धुआं मारने से मक्खी जो है ये नीचे चली जाएंगी। देखो ये, देखो ये चली जाएंगी। और इसमें धुएं में हम सल्फर डालते हैं, जिससे मधुमक्खी में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी से भी इस धुएं से बचाव होता है मधुमक्खी का। और जब शहद निकालते हैं तो हमें इस स्मोकर का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे मधुमक्खी छत्ता छोड़कर नीचे चली जाती है। और ये शहद निकालने के काम आता है, जब शहद का होता है। अच्छा, इसे गर्मी के टाइम में मधुमक्खियों को हम धूप, सर्दी के टाइम में धूप में रखते हैं और गर्मी के टाइम में छांव में रखते हैं। इसलिए हमने बाग में यहाँ रखी हुई है, क्योंकि गर्मी के टाइम में हम इसे छांव में रख देंगे और सर्दी के टाइम में धूप में रखते हैं। और मधुमक्खी के डब्बे को ज्यादा टाइम नहीं खोलना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मुश्किल से आधा घंटा बस। हाँ, आधे घंटे से ज्यादा नहीं खोलना चाहिए। ये जो इसके नाम है, ये बोरी ढकी हुई है, इसको तो हमेशा ही ढक्के रखना चाहिए। और सर ये बाहर भी जाती है क्या? हाँ, ये इसका सर्कल होता है 3 किलोमीटर राउंड, ये 3 किलोमीटर तक जाती है, घूमती है। इसमें से अपने आप, इसमें से अपने आप निकल जाएगी और अपने ही डब्बे में आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये पहचान कैसे होती है सर? हम इसके गए थे, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर रेंज होती है ना जी, तो मधुमक्खी के अंदर भी एक रेंज का एंटीना होता है जी। जैसे सूर्य निकल रहा है हमारा, तो वो इससे वो करेगी अपनी जी रेंज बनाएगी और उसी हिसाब से अपने डब्बे में आएगी। 3 किलोमीटर जाने, 3 किलोमीटर चारों तरफ कहीं भी चली जाएगी, वहीं जाएगी। जैसे बुर्स वगैरह होता है किसी, हाँ, ये बुर्स जो होता है, ये जो हम शहद निकालते हैं ना, तो ये छत्ता होता है इनका मधुमक्खी का जी। इसके अंदर ये शहद भरती है, मैंने पहले दिखाया था, या दोबारा दिखाता हूँ। तो ये मक्खी, जो मक्खी होती है, इसको साफ करने के लिए निकालते, इसको छत्ते उठाने के लिए इसका बुर्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसको फिर मशीन है हमारे पास में, मशीन में खड़ा करते हैं छत्ते को और ये राउंड घूमता है गोल गोल। उसके अंदर 8 छत्ते होते हैं, लगाते हैं, उसका सारा शहद निकल जाता है। 8 छत्तों में से कम एक बार में 10-12 किलो शहद निकल जाता। तो ये, और सर शहद की बात करें तो कितने प्रकार का शहद होता है, जैसे अलग अलग फूलों से? अलग अलग फूलों का देखो, एक तो मस्टर्ड का हो गया, अब जो मौसम चल रहा सरसों का, एक तिलहन का होता है, दलहन का होता है, तिलहन में तिल का हो गया, और दलहन में जितने भी दाले हैं उन पर जो फूल आता है वो उसको दलहन बोलते हैं। इसके बाद आएगा मल्टी, जिसमें शीशम, कड़ी पत्ता और दूसरे जंगली फूल, उसको मल्टी बोलते हैं, मिक्स फ्लोरा। मधुमक्खी होती है तो कितने प्रकार की होती है सर मधुमक्खी? ये मधुमक्खी हमारे यहाँ 4 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये होती है मेलिफेरा, तो ये इटालियन मधुमक्खी है। एक हमारे भारतीय मधुमक्खी है, उसे एपिस सिरेना बोलते हैं, ये एपिस मेलिफेरा है। और एक होती है छोटी मधुमक्खी, जो झाड़ियों में मिलती है, उसके छोटे छोटे छत्ते होते हैं, उसमें कम मात्रा में शायद मिलता है, वो छोटे छोटे फूल पर भी जाती है। और एक बड़ी मक्खी होती है, जिसको डंगूर, भंगूर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, वो पानी की टंकियों में बड़े बड़े पेड़ों पर मिलते हैं, उसके बड़े बड़े छत्ते, वो बहुत खतरनाक होती है, वो आदमी की जान तक ले लेती है। सर एक बात बताइए, जो डब्बे में रखते हो, तो इसमें डब्बे में रखने का क्या रीजन होता है? मतलब डब्बे में जो आप रखते हैं, ऐसा है, डब्बे में रखने का रीजन ये है, ये अंधेरा पसंद करती हैं।
अंधेरा पसंद करती हाँ, है। ये मधुमक्खी डब्बे में या अंधेरी जगह में रहती है। ये दो मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा और एपिस सिरेना इंडिका। ये दोनों डब्बों के अंदर, खोखलों के अंदर, कहीं भी खोखला होगा, घर के अंदर, किसी दीवार के अंदर, वहां पर बैठती है। तो ये व्यवसाय के लिए हमने डब्बों में रखी हुई है, जिससे हमारे निकालने में, शायद निकालने में आसानी हो, इनको पालने में आसानी हो। तो जैसे सर एक डब्बा है, तो एक डब्बे में कितना खर्चा आ जाता है? एक डब्बे में अब जो मधुमक्खी का रेट चल रहा है, एक फ्रेम का, इसका जो एक फ्रेम मधुमक्खी का है उसका 400 रुपए का रेट है। एक फ्रेम होता है जो जो मधुमक्खी का एक फ्रेम है, ये फ्रेम होता है, ये फ्रेम है, इसके ऊपर मधुमक्खी होगी, इसमें अंडा बच्चा सब कुछ होगा। 400 रुपए यानी कि एक डब्बा 4000 रुपए का तो मक्खी होगी, और करीब 1000 रुपए का डब्बा हो गया, 5000। 5000 में एक डब्बा, 5000 में एक डब्बा तैयार होता है जी। और सर कितने दिन में चालू हो जाता है, मतलब 3 महीने, कितने दिन? नहीं, डब्बा तो जैसे कहीं से मधुमक्खी लाएंगे तुरंत चालू हो जाएगा। मधुमक्खी का अलग रेट होता है सर? फिर मधुमक्खी का अलग रेट होता है, खाली डब्बे का अलग रेट होता है, इन छत्तों का अलग रेट होता है। ये अभी इसके अंदर मोम शीट लगाते हैं, ये देखो ये तार लगाते हैं पहले से, ये तार के अंदर फिर मोम शीट लगाएंगे, मोम शीट पे ये मधुमक्खी छत्ता बना ऐसे इस तरह तैयार कर देती है सब। जी जी जी। इसके अंदर शहद भी भरती है और अंडा बच्चा भी सब इसी के अंदर होता है, लार्वा पहले अंडा होता है। देती है सर शहद इसके अंदर मक्खी? कितने दिन में तैयार कर देगी शहद को? शहद को तो एक हफ्ते में तैयार कर देती है। एक हफ्ते में शहद बन जाता है? अगर वहाँ पे नेक्टर आ रहा तो अच्छा, मौसम के अनुसार नेक्टर अगर अच्छा है तो एक हफ्ते में शहद तैयार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए।